बीच में कालीचरण जी हैं। कालीचरण जी अभी आप यहाँ ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो आपके साथ में पुलिस का क्या रवैया रहा? पुलिस ने वैसे जो ना पुलिस मना कर रही थी, जबकि जो ना पूरा भारत देश बंद है, तो उनको खुद ही जो ना ये समझना चाहिए कि हमें किस प्रकार से हमें इनको अपने शासन को जो ना दुरुस्त करना है और सभी तरह से हमें सहयोग करना है। लेकिन वास्तव में उनका सहयोग ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा कुल मिला करके। उसके बाद में दादागिरी है, नहीं चलेगी दादागिरी, कभी नहीं चलेगी। ये मोदी की सरकार दादागिरी कभी नहीं चलेगी, नहीं चलने देंगे, कभी नहीं चलने। ये SC ST एक्ट वापस लेना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का। दादागिरी नहीं चलेगी। जो युवा होश है दलित विरोधी सरकार, दलित विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी। आप लोग यहाँ पर युवा हैं, क्यों आए हैं, क्या कारण है आपका? हमारा SC ST एक्ट उन्होंने खत्म करने की, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, इसलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा प्रदर्शन ऐसा हो कि मोदी सरकार हिल जाए, क्योंकि मोदी सरकार दलित विरोधी सरकार है और वो कभी दलितों का भला नहीं चाह सकती। पुलिस का क्या रवैया रहा आपके साथ? पुलिस के साथ हमारा हम बुरा नहीं बोलेंगे किसी के लिए, और हम शांतिपूर्ण बिल्कुल करना चाहते हैं कि हमारा SC एक्ट जो है वो लागू ना किया जाए, इसलिए तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसमें तो हम किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, ना ही किसी बंदे को। तो प्लीज हमारे जिस दिन से, मेरा नाम घनश्याम है, और जिस दिन से ये इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई किया, उस दिन से पूरे देश में दलित विरोधी अभियान चल गए हैं। दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, उनके बच्चों के साथ बलात्कार किया जा रहा, उन्हें जाति समझौते से खूब इज्जत किया जा रहा। उन्हें हम नहीं चाहते कि हमारे बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ हो, हमें तकलीफ हो, हमें कोई छेड़छाड़ करे, हम नहीं चाहते। किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे साथ छेड़छाड़ क्यों? हमारे कानूनों के साथ छेड़छाड़ क्यों? हम बिल्कुल नहीं। या तो हमें बराबरी का दर्जा दिया जाए, वरना हमारे कानूनों के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की जाए। पूरा कानून बना, अगर हमारे कानून छीन जाए हमारी 47 की आजादी देश को, क्या ऐसा जो है दलितों ने क्या अत्याचार कर रखा, क्या जुलम कर रखा, जो पुलिस भी लाठीचार्ज करती है उन पर है, और जो आरक्षण मांगते हैं हर लोग मांगते हैं, तो उन पर तो लाठीचार्ज नहीं होती है, कहीं पर देखा आपने किसी ने? लेकिन हम अपना अधिकार नहीं छीनने देंगे भारत के प्रधानमंत्री जी को। हम दावा करते चाहे मर जाए, जेल भरो आंदोलन कर देंगे, लेकिन हम हटेंगे नहीं। सर, ये आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप क्या मांगे, किन मांगों को लेके आप धरना? हजारों साल से दबा कुचला वर्ग यदि कुछ बनाने की कोशिश करता है, तो ये कुछ मुट्ठी भर लोग फिर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये चाहते हैं कि हम मानव है ही नहीं, हम इंसान है ही नहीं, हम पढ़ लिख नहीं सकते, हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते। क्या ऐसा संभव है? हम मात्र 60 साल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हमारे बाबा साहब ने उस समय संविधान लिख डाला जब हमारे समाज में बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते थे, लेकिन उस समय इन ऊंचे वर्ग वाले जो अपने आप को ऊंचा वर्ग बोलते हैं, उनके पास एक संविधान लिखने वाला व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। हमारे बाबा ने वो संविधान बनाया जिस पर देश और सभी के लिए संविधान बनाया, एक वर्ग के लिए बनाया, पूरे वर्ग पूरा देश सभी के लिए संविधान बनाया। देश उस संविधान पर तरक्की कर रहा है, लेकिन ये तरक्की RSS और भाजपा को पसंद नहीं है, जिसकी वजह से आज हम रोड पर हैं। और रोड पर ही नहीं, यदि हमारे साथ ऐसे अत्याचार होते रहे, हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, लेकिन संविधान के अंतर्गत जय भीम जय भारत। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस का क्या रवैया रहा आपके साथ? पुलिस का हमारा प्रति रवैया शांतिपूर्वक है, कोई ऐसा रवैया नहीं है कि इन्होंने पुलिस आपके साथ धक्का मुक्की कर रही थी, बड़े पैमाने पर लाठी चार्ज भी किया। हाँ नहीं, पुलिस आप लोग क्या मांग रहे हैं आपकी? हमारी मांग है जो SC ST एक्ट के अंदर जो ये आरक्षण खत्म किया गया है, उसको पुनः लागू किया जाए, और जो हमारे साथ अत्याचार होता है उसको भी उसके खिलाफ हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। और हम एक ये मैसेज पास करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि वो हमारी बात को समझें, कि जो उन्होंने आरक्षण खत्म किया उसको तुरंत बहाल किया जाए और पिटीशन डाली जाए कोर्ट के अंदर। क्या SC ST जो एक्ट है उसे वापस लिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने जो ये लिया है मनुवादी सरकार के दबाव में लिया है, इसे ये वापस लिया जाए। हम यही चाहते हैं कि ये दोबारा जिस तरीके से चल रहा था वैसे ही चलता रहे। और दूसरा जो आई आई
सर आप एडवोकेट भी हैं, अधिवक्ता भी हैं और आप सीनियर हैं, जो अभी 21 तारीख को एट्रोसिटी मामले को लेकर जो न्यायाधीशों ने फैसला दिया है वो आप इसको कहां तक सही समझते हैं? ये दलित विरोधी है और ये जो सरकार है ये भी दलित विरोधी है और ये पूरे देश के अंदर आगे दिखाइए, पुलिस गुंडा बुला रहे, पूरे पुलिस गुंडा बुला रहे, आगे आप दिखाइए, पूरे देश के अंदर ये आतंक फैलानी चाहती है ये गवर्नमेंट। इससे ये है कि आगे दिखाइए, ये ऐसी पुलिस बिना वर्दी के गुंडे बुला रहे, ऐसी आगे दिखाओ, ऐसी वाले वो ये दबने वाले नहीं है, ये इस गवर्नमेंट को यदि